मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वीडियो लेक्चर का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टिलिया, यानी कि जो हमारी क्लास रेप्टिलिया है उसके आज हम सामान्य लक्षण को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो रेप्टाइल्स जो एनिमल्स थे वो फर्स्ट वर्टिब्रेट एनिमल्स थे जो कि लैंड पे सर्वाइव कर पाए, यानी कि इससे पहले के जो भी एनिमल्स थे जो कि जैसे कि फिशेज हैं और एम्फीबियंस हैं वो लगभग पानी में सीमित थे, और कम्प्लीटली यानी कि पूर्ण रूप से जो जंतु जमीन पर या थल पर सर्वाइव कर पाए रह पाए उनमें जो थे वो थे रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स की जो बॉडी है जनरली वो कवर रहती है स्केल्स से। स्केल्स एक हार्ड तरह का इनका ऊपर का कवर होता है जो उनकी हेल्प करता है जो बॉडी की जो मॉइस्चर है नमी है उसको अंदर बरकरार रखने के लिए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, ये जो अर्थ की हम बात कर रहे हैं कि ये थल पे आ चुके हैं या फिर ज़मीन पे पहुंच चुके हैं, तो वहाँ के कौन कौन से एनवायरनमेंट में ये पाए जाते हैं, तो ये जनरली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जो मरुस्थलीय डेजर्ट में, ओशियंस के अंदर, रिवर्स में, लेक्स में, हर जगह ये हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया है वहाँ पर ये रेयरली मिलते हैं, कम मिलते हैं, क्योंकि ये किस तरह के एनिमल्स हैं, कोल्ड ब्लडेड है, यानी कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली रेगुलेट उतनी भली प्रकार से नहीं कर पाते जितना कि वार्म ब्लडेड एनिमल कर पाते हैं। सामान्य लक्षण की दूसरी बात करें तो उसमें जो फॉलोइंग कैरेक्टर्स हैं वो इस तरह से हैं कि इनकी बॉडी जो है जनरली कवर्ड होती है स्केल्स से, और इनकी जो फिंगर्स होती है पैरों की और हाथों की उसके अंदर कैसकिया होते हैं, क्लोज होते हैं, नाखून होते हैं, और ये इनके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड या एक्टोथर्मिक। दूसरा, इनके अंदर बॉडी में कहीं भी हेयर्स या जो बाल हैं वो नहीं पाए जाते, और इनकी शरीर के अंदर एक वेल डेवलप जो स्केलेटन सिस्टम है यानी कि जो कंकाल है वो पाया जाता है। इसका जो हार्ट है, हृदय है, वो पार्शली डिवाइडेड वेंट्रिकल होता है उसके अंदर, यानी कि पूर्ण रूप से न तो ये चार चैम्बर होता है और न तो तीन होता है, यानी कि दोनों के बीच का होता है। इसके अंदर रेस्पिरेशन या श्वसन के लिए लंग्स पाए जाते हैं, और जो रिप्रोडक्शन है उसका वो इंटरनल है, और ख़ास तौर पे जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है जो जिसने कि इसकी हेल्प की है ज़मीन पे भली प्रकार से सर्वाइव करने के लिए, वो है एमनियोटिक एग। अब इसके डिटेल में हम इसके टॉपिक्स को देखेंगे। सबसे पहले जो इसका एंडोस्केलेटन है यानी कि जिसको हम कहते हैं आंतरिक कंकाल, वो बहुत ही वेल डेवलप्ड है और स्ट्रॉन्ग है, और किससे बना है, मजबूती से, बोन से यानी कि हड्डियों से बना है। और जनरली जो मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर दो पेयर्स लिम्स पाए जाते हैं, यानी कि दो हाथ और दो पांव पाए जाते हैं, जबकि जो हमारा स्नेक्स होते जो और कुछ लिजार्ड, सांप और कुछ लिजार्ड, उनके अंदर इन लिम्स की या जो हम कह सकते हैं लेग्स की, पैरों की कमी होती है या एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट जो होते हैं इनके जो लेग्स हैं वो इनकी बॉडी के नीचे की साइड होते हैं जो कि इनको फास्ट चलने में लैंड के ऊपर हेल्प करते हैं। दूसरी बात, जो इनकी हैंड्स और लेग्स होती है उनके अंदर जो इसकी टॉयज होते हैं यानी कि जो उंगली होती है उनके अंदर नाखून पाए जाते हैं, क्लॉज पाए जाते हैं जो कि इनको पेड़ पे चढ़ने या डिगिंग के लिए यानी कि अर्थ को खोदने के लिए हेल्प करते हैं, और बहुत तेज रन करने के लिए भागने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है इसका सेंसरी सिस्टम यानी कि इनमें सेंस के लिए कौन सा सिस्टम है, तो विजन के लिए अगर हम बात करें सेंस में, तो इनके अंदर एक वेल डेवलप्ड आइज पाई जाती है, और इसकी जो आइज हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होती है और इजीली प्रीडेटर को या अपने प्रे को यानी कि अपने शिकारी को या शिकार को इजीली देख पाती है। और इसकी जो आईलिड होती है यानी कि आँखों के पलके जो होती हैं वो मूवेबल होती है, जबकि जो स्नेक्स होते हैं और कुछ और जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर जो आईलिड्स मूवेबल नहीं होती हैं। और ख़ास तौर पे ये देखा गया है कि जो भी रेप्टाइल्स हैं वो मोर स्ट्रॉन्गली या एक्टिवली रात में या अंधेरे में इजीली देख पाते हैं। दूसरा जो इसका सेंस ऑर्गन है वो इसके ईयर्स हैं जो कि सुनने के काम में आते हैं। इसके ईयर्स जो हैं इसका एक इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है, और इसके जो सेंस ऑर्गन या सुनने का तरीका ये है कि जो साउंड वेव्स होती है वो सबसे पहले इनकी कान के या ईयर की टिम्पेनम में टकराती है, ईयर ड्रम में टकराती है, उसके बाद वहाँ से वो इनर ईयर तक पहुँचती है।
जैसा कि हमारे अंदर भी होता है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर जो स्नेक्स होते हैं उसके अंदर हम ईयर्स लगभग एब्सेंट होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसके स्नेक के अंदर टिम्फेनम जो होता है वो एब्सेंट होता है। तो स्नेक जो होते हैं वो कैसे सुन पाते हैं क्या, या हम ये माने कि स्नेक बहरे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो स्नेक जो होते हैं, जो भी ग्राउंड वाइब्रेशन होता है या ज़मीन से जो भी वाइब्रेशन साउंड की उठती है उसको वो अपनी मूस के अंदर जो जॉज होते हैं उससे उसको समझ पाता है, या उसको कह सकते हैं उसको ऑब्जर्व करता है या ग्रहण करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन जो सिर्फ रेप्टाइल्स में पाया जाता है उसको हम कहते हैं जैकॉब्सन्स ऑर्गन। तो जैकॉब्सन्स ऑर्गन जो है स्पेशल सेंसरी ऑर्गन है जो कि जो रेप्टाइल्स का माउथ होता है उसकी रूफ़ पे, यानी कि उसका मुंह है उसकी ऊपर वाली साइड, छत वाली साइड पे ये पाया जाता है। और इसका कार्य क्या है कि ये जो सेंसिटिव होता है ऑर्डर्स के लिए, ऑर्डर मतलब जो अलग अलग टाइप का टेस्ट होता है या एनवायरनमेंट का टेस्ट है उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका इसके अंदर प्रेजेंस देखी गई है। दूसरा जो है हमने देखा है जिस जनरली स्नेक अपनी टंग को बार बार बाहर निकालता है, तो ये जो टंग क्या करती है, जो कलेक्ट करती है पार्टिकल्स जो एयर्स होती है उसके वाइब्रेशन से, और इसको जो उसका जैकॉब्सन ऑर्गन है वहाँ तक पहुँचाती है और वो इससे उसका ऑर्डर को सेंस कर पाता है। नेक्स्ट आता है इसका रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन, यानी कि इसका श्वसन तंत्र किस प्रकार का है और उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार का है। तो दोनों ही इसके अंदर बहुत अच्छे से डेवलप है, वेल डेवलप्ड है। और रेस्पिरेशन के लिए इसके अंदर लंग्स पाए जाते हैं जो कि काफ़ी लार्ज सरफेस एरिया कवर करते हैं, जिससे कि एफिशेंटली अच्छे से ये रेस्पिरेशन कर पाए। दूसरा जो हार्ट है, अभी हमने देखा था कि वो ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिवाइडेड है फोर चैम्बर में, लेकिन जो इसका वेंट्रिकल है वो हाफ या पार्शली डिवाइडेड है, इसलिए हम इसको फोर चैम्बर हार्ट नहीं कह सकते हैं। लंग्स जो है अभी हमने देखा कि काफ़ी बड़ा सरफेस एरिया कवर करता है और अंदर से इसके कई सारे इंटरनल फोल्डिंग होते हैं। तो इंटरनल फोल्ड होने की वजह से क्या होता है, इसकी जो क्षमता होती है ऑक्सीजन को एब्जॉर्व करने की या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करने की, वो काफ़ी बढ़ जाती है। इसके अंदर स्ट्रॉन्गली रिब केज पाया जाता है, यानी कि जो लंग्स जिससे कवर होता है, जो बोन्स हमारी होती है रिब्स, वो भी इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मसल से बने होते हैं और रिब केज पाया जाता है, और इजीली और क्विकली इसके अंदर रेस्पिरेशन बड़े आसानी से या एफिशिएंट तरीके से देखा गया है। ये डायग्राम से मैं आपको जस्ट समझाऊंगी कि क्या डिफरेंस है एम्फीबियंस के, रेप्टाइल्स और ह्यूमन के हार्ट के अंदर, किस तरह से हम कह रहे हैं कि ये थ्री चैम्बर्ड है या फोर चैम्बर्ड है या पार्शली फोर चैम्बर्ड है। इसको देखने के लिए ये सिंपल सा डायग्राम है। इसमें सबसे पहला जो आप देख रहे हैं वो है एम्फीबियंस का। तो एम्फीबियंस के हार्ट में आप देख रहे हैं कि इसमें हमको इसमें दर्शा रहा है कि थ्री चैम्बर्ड हार्ट है। तो इस तरह से जो इसके ऊपर के दो हैं वो कैसे हैं, लेफ्ट और राइट ऑरिकल, यानी कि दो चैम्बर ये हो गए और नीचे का एक वेंट्रिकल पाया जा रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एम्फीबियंस के अंदर कितने चैम्बर का हार्ट है, थ्री चैम्बर का। अब जो सेकंड आप देख रहे हैं टर्टल, टर्टल जो हमारा एक रेप्टाइल है, तो रेप्टाइल में आप देख रहे हैं कि ऊपर तो आपको दिख रहे हैं दो चैम्बर जो क्या हैं, ऑरिकल से, और उसके नीचे जो आप देख रहे हैं ये वाला चैम्बर, ये वेंट्रिकल है, लेकिन ये क्या है, कम्प्लीटली डिवाइडेड नहीं है। कैसा है ये, पार्शली डिवाइडेड है। इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों की ब्लड की जो कि ऑक्सीजनेटेड है और डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड का मिक्सिंग हो रहा है। तो इस तरह के हार्ट को हम कहते हैं पार्शली डिवाइडेड फोर चैम्बर्ड हार्ट। नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर जो थर्ड वाला है, दिस वन, ये हमारा है जो बर्ड्स और मैमल्स हैं उनका। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कम्प्लीटली जो लेफ्ट एंड राइट साइड है हार्ट का वो सेपरेटेड है, और उनके चैम्बर्ड भी किस तरह से सेपरेटेड है। जो रेड ब्लड दिख रहा है आपको वो कैसा है, प्योर ब्लड है, ब्लू दिख रहा है वो इम्प्योर है। तो इनका कोई भी मिक्सिंग आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे देख रहे हो तो ब्लू और रेड का आपको मिक्सिंग दिख रहा है, और यहाँ पे भी कम्प्लीटली ये कैसा है, मिक्स्ड है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से एम्फीबियन रेप्टाइल और बर्ड्स मैमल के हार्ट में डिफरेंस है। तो रेप्टाइल हार्ट जस्ट हमने अभी डिस्कस किया, वही बात है कि किस तरह उसका पार्शली डिवाइडेड है और उसका जो मिक्सिंग है वो इम्प्योर और प्योर, अशुद्ध और शुद्ध ब्लड की मिक्सिंग इसमें होती रहती है और कम्प्लीटली सेपरेटेड नहीं है। इसलिए माना जाता है कि ये बर्ड्स और मैमल्स के कंपेयर में उतना एफिशिएंट नहीं है, बट कंपेरेटिवली एम्फीबियंस के ये हाईली डेवलप्ड है।
नेक्स्ट आता है रेप्टाइल्स के अंदर इसका रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो जनरली इसमें कैसा होता है, इंटरनल रिप्रोडक्शन होता है, एक्सटर्नल नहीं होता। अभी तक मैंने देखा था कि जो फिशेज हैं या एम्फीबियंस हैं उनमें जनरली एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है, फर्टिलाइजेशन पाया जा रहा है जो कि पानी के द्वारा होता है। और यहाँ पे क्योंकि पानी से जो रिप्रोडक्शन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट किसका हो गया है, क्लीडोइक एग का। क्लीडोइक एग का यानी कि जो शेल से कवर, मुर्गी का जो आपने अंडा देखा होगा जनरली वो कैसा कवर रहता है, हार्ड शेल से जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, उसकी वजह से क्या होता है उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो इसके जो भी तरीका है रिप्रोडक्शन का, तो हम कह सकते हैं कि रेप्टाइल्स जो हैं वो ओवीपेरस एनिमल्स यानी कि वो अंडा देते हैं। और कहीं कहीं देखा गया है यानी कुछ स्नेक्स और लिजार्ड के अंदर ओवो वीवीपेरस सिस्टम पाया जाता है, यानी कि फर्टिलाइज एग जो होते हैं वो फीमेल की बॉडी में ही रहते हैं कुछ टाइम तक, और फीमेल की बॉडी के अंदर ही हैच करते हैं। उसकी वजह से एक यंग वन यानी कि एग नहीं देती है वो, और यंग वन का डेवलपमेंट होता है। तो इसको हम कहते हैं ओवो वीवीपेरस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। दूसरा जो आपका है, इनका जो एग है हमने बता दिया कि हाईली एफिशिएंट होता है, क्योंकि उसके अंदर बाहर से उसकी प्रोटेक्शन के लिए कवर है। और ये ओवो वीवीपेरस का जो तरीका है वो इसलिए होता है कि उसको प्रीडेटर से या शिकारी से उसको बचाना है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि रेप्टाइल के अंदर किसी भी तरह का पेरेंटल केयर नहीं पाया जाता है। पेरेंटल केयर यानी कि जो कि यंग वंस होते हैं उनकी जो पेरेंट्स केयर करते हैं, कि जब तक कि वो इस लायक नहीं हो जाए कि अपना ध्यान खुद रखें तो पेरेंट्स उनकी केयर करते हैं। तो पेरेंटल केयर फिशेस और एम्फीबियन में काफ़ी देखा गया है, लेकिन रेप्टाइल के अंदर पेरेंटल केयर नील के बराबर है। और कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि एलिगेटर और क्रोकोडाइल, जहाँ पे क्या पाया जाता है, पेरेंटल केयर पाई जाती है, यानी कि ये जो हैं वो अपने बच्चों की केयर करते हैं। नेक्स्ट आता है एमनियोटिक एग। एमनियोटिक एग जो कि अपने आप में एक कंप्लीट होता है, यानी कि जो डेवलपिंग बेबी है इसके अंदर उसको सफिशिएंट अमाउंट में क्या मिल रहा है, इसके अंदर पानी मिल रहा है और फूड मिल रहा है। तो एनिमल्स यानी कि मदर की बॉडी के अलग रह कर भी जो डेवलपमेंट होता है बेबी का उसको कम्प्लीटली उस एग के अंदर हो जाता है। और रेप्टाइल जो है उनकी सक्सेस का एक सबसे बड़ा रीज़न क्लीडोइक एग है। किस चीज़ के लिए, एक टेरेस्ट्रियल लाइफ जीने के लिए, क्योंकि अब इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फिश और एम्फीबियंस जो था वो भी धरातल पर यानी कि धरती पे आ चुका था, लेकिन उसको रिप्रोडक्शन करने के लिए कहाँ जाना पड़ता था, पानी में जाना पड़ता था। लेकिन जैसे ही ये शेल्ड एग या क्लीडोइक एग का डेवलपमेंट हुआ है रेप्टाइल्स के अंदर, तो ये कम्प्लीटली कौन सी लाइफ जीने लगी, टेरेस्ट्रियल लाइफ। So that's all for the today's lecture about the characteristics of reptile. Thank you so much.